तो मेरा नाम कुशल कुमार है। मारुति सुजुकी ब्रीजा का BXI वेरिएंट इस कार का जो सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग और टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट, अगर आपको बेसिक फीचर चाहिए अपनी कार में सिर्फ, तो वो इस कार का BXI वेरिएंट ही है। मैंने आपको इस कार का लोअर वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि बेस मॉडल था, LXI वेरिएंट नाम से है। तो उसमें आपको फीचर्स तो बढ़िया मिल जाते हैं, आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC मिल जाएगी, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स, रिमोट सेंटर लॉकिंग, पर लेकिन आफ्टर मार्केट वर्क कराने की जरूरत पड़ती है अगर आप इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट लेते हैं तो, क्योंकि इसमें आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। ऐसे बेसिक फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं उस वाले वेरिएंट में। तो फिर जो भी बंदे ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल भी नहीं कराना, कार में बेसिक फीचर तो होने चाहिए सभी, तो फिर वो इसके BXI वेरिएंट के साइड ही जाते हैं। 1,34,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है इसके बेस मॉडल और इस वाले वेरिएंट में। फिर फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है इस कार का, क्योंकि इससे एक अपर मॉडल भी आता है जो कि ZXI वेरिएंट है, उसमें आपको सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। वो वाला जो वेरिएंट है वो 1,36,000 रुपीज एक्सपेंसिव है इस वाले वेरिएंट से। बात करते हैं इस कार के प्राइस के बारे में, 9,64,000 रुपीज के शोरूम प्राइस पर आपको एक कार मिल जाती है। तो मैं इस कार की फ्रंट रो 5 से फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो प्रोजेक्टर में रहेंगे, इंडिकेटर में रहेगा यहाँ पर बल्ब, और ये ग्रिल इस कार की जो कि क्रोम में मिल जाएगी आपको, यहाँ पर ग्रे फिनिश यहाँ पर दी गई है। सुजुकी का होगी यहाँ पर लोगो क्रोम में। फोक लैंप्स आपको सेकंड बेस मॉडल में नहीं मिलते, इसका ऐसे इसका पार्ट रहने वाले हैं। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, और ये साइड प्रोफाइल इस कार की, जैसे आप देख सकते हैं 16 इंच के आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स, MRF के टायर्स रहेंगे इसमें, 215/60 R16 की प्रोफाइल रहेगी। 300 की साइड होगी क्लैडिंग जो कि कार की पूरी बॉडी तक रहने वाली है, जैसे आप देख सकते हैं। इंडिकेटर मिल जाएगा आपको इस कार की ओवारियम पर, जो कि आपको बेस वेरिएंट से इंडिकेटर ओवारियम पर ऑफर करा जाता है। ए पिलर हो गया ब्लैक कलर का, ऊपर साइड आपको रूफ रेस नहीं मिलेगी, डोर हैंडल्स हो गया बॉडी कलर का, और ये रहा इंटीरियर इस कार का, जैसे आप देखने में काफी बढ़िया लगता है। डुअल कलर में मिल जाएगा, ग्रे कलर का सिर्फ आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, पूरा वैसे पूरा ब्लैक कलर में रहता है इंटीरियर। सभी फीचर्स को हम देख लेंगे, और जो ओवारियम है इस कार के वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल। बी पिलर ब्लैक कलर का, ऊपर साइड हो गया शार्क फिन एंटेना, बैक से दिखने में काफी बढ़िया लगती है। टेल लाइट मिल जाती है आपको जो कि LED में रहने वाली है, ये भी आपको बेस मॉडल से ऑफर हो जाती है। फिर बैक प्रोफाइल और उसी के साथ इस कार की जो डायमेंशन है वो भी काफी बढ़िया है। ऊपर साइड हो गया शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्ट्रिप लैंप, रेयर डिफोकर मिल जाता है आपको जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। एक्सटीरियर से यही डिफरेंस है बेस मॉडल सेकंड बेस मॉडल में, LED टेल लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर बैक लाइट में बल्ब, सुजुकी का लोगो है, ब्रीजा की बैजिंग दी गई है, नीचे के साइड हो गए 4 पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, जो कि बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं मिलता है। चल मैं आपको सारा बूट दिखाता हूँ, पास ट्रे आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, एयर स्पेयर व्हील 16 इंच का रहेगा, सेम प्रोफाइल रहने वाली है। कितने फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर लुक में मिल जाते हैं अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ LXI वेरिएंट से, सिर्फ आपको डिफोकर ऐसा फीचर मिलता है जो कि आपको LXI वेरिएंट में नहीं मिलेगा। इस कार में आपको 1500 cc का इंजन मिल जाएगा, K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 2 BHP की पावर और 36 Nm का टोर। और जो डायमेंशन है इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर शो रही होंगी। इस कार में आपको सेफ्टी के नाम पर फ्रंट 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूं, फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इसका इंटीरियर में। रेडर्स का इंटीरियर डार्क कलर में रहने वाला इंटीरियर कार का, वही पैटर्न आपको इसका डोर पे दिखाई देगा, पूरा डार्क कलर का रहेगा डोर। डोर में हो गया ब्लैक कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिए गए आपको इसका RPMs, आपको यहाँ पर उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लोक अनलोक के लिए हो गया, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर साइड आपको ऑटो बोटो डाउन पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, सॉफ्ट टच दिया जाएगा, बटर स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। फिर बाहर से देखने में उस तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का, वेरी ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर और रिक्लाइन करने का, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन भी मिल जाता है। वही इस कार का बैक डोर, डोर में हो गया ब्लैक कलर, पावर विंडो कंट्रोल, सॉफ्ट टच हो गया, बटर स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। तो वैसे कुछ तरह का रहने वाला इंटीरियर कार का, सभी फीचर्स देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इस कार के सेकंड बेस वेरिएंट में। मैंने आपको एक्सटीरियर तो इस कार का दिखाई दिया था, जैसे आपने देखा एक्सटीरियर में सिर्फ डिफोगर ही है जो कि आपको BXI वेरिएंट में ज्यादा ऑफर करा जाता है, जो कि आपको LXI वेरिएंट में ऑफर नहीं करा जाता है। पर लेकिन जब बात आती है इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर में ज्यादा फीचर्स हैं अगर आप BXI के वेरिएंट को कंपेयर करते हैं। वो ये इस कार का स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, लेदर स्टीयरिंग व्हील नहीं रहता है, सिल्वर फिनिश क्रोम मिल जाएगा आपको सर्कुलर में। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि एनालॉग मिल जाएगा, RPM मीटर और स्पीडोमीटर, बीच में कुछ सर्च होगी MID, जिसमें टेम्परेचर का, फ्यूल का, कितना चलेगा कार का, माइलेज दे रही है, टेम्परेचर जैसी चीजें आपको उसमें दिखती रहेगी। यहाँ पर होगी कुछ अलर्ट लाइट्स, और ये ड्राइवर साइड AC वैन, यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाती है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का हो गया बटन,
और ये सेंटर कंसोल इस कार का 7 इंच का टच स्क्रीन एंड एनएफसी सिस्टम मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो पर कार प्ले के साथ रहेगा, वायरलेस नहीं रहता है। और यहाँ पर हो गया हजार लाइट का बटन, सिल्वर फिनिश मिल जाती है आपको। यहाँ पर दो एसी वेंट्स हो गए, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया, यूएसबी पोर्ट, थोड़ा स्पेस हो गया, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगी का कुछ तरह का नोब रहता है, ग्रे फिनिश, थोड़ा स्पेस हो गया। फिर यहाँ पर कफ होल्डर्स, और ये रहा हैंड ब्रेक, और ये रहा ड्राइवर साइड सन वाइजर। वैनिटी में आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा, IRBM, जिसमें आपको डे नाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, माइक हो गया यहाँ पर, ये रहा को ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर के साथ, ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहती हैं जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, फैब्रिक सीट्स हैं जिन पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है, और ये रहा इस कार का ग्लव बॉक्स, काफी अच्छा साइज रहने वाला है ग्लव बॉक्स का। और यह क्वार्टर में साइड डोर टूपन हो गया, ब्लैक कलर का पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बाटर बोले स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस, स्पीकर हो गया। तो ये तो बात रही इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर, जैसे आपको एनफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 7 इंच का टच स्क्रीन, और देखने में काफी बढ़िया लगता है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जो कि आपको BXI ब्रांड में ज्यादा ऑफर करे जाते हैं, LXI ब्रांड में आपको ये फीचर्स ऑफर नहीं करे जाएंगे। और डे नाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है आपको ORBM में, और स्पीकर तो हो ही गए, लेकिन तो उस कार की रियर सीट वहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहाँ पर। मेरी हाइट 6 फीट है, 12 गुना लेग रूम मिल जाएगा आपको उस कार में। और रियर सीट पर बैठक उस तरह का लगेगा। डैशबोर्ड फ्रंट में सोनों को दिखाई जाए स्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको स्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। रियर सी वेंट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, कुछ साइज को यहाँ पर हम तो काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं, अंदर थाई सपोर्ट काफी बढ़िया है, और उस तरह का इंटीरियर इस कार का, जैसे हमने देखो इतने फीचर्स आपको इसका इंटीरियर मिल जाते हैं। तो वैसे जैसे आपने देखा कुछ इतने फीचर्स आपको इसके BXI वेरियंट में मिल जाते हैं। रियर डिफोगर हो गया, 7 इंच का टच स्क्रीन, एनफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स हो गए, 4 स्पीकर दिए जाएंगे आपको, ड्राइवर सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORBM, कुछ ऐसे फीचर्स आपको इसके BXI वेरियंट में मिल जाते हैं, जो कि आपको LXI वेरिएंट में नहीं दे जाएंगे। जो आपको इतने फीचर ज्यादा मिलेंगे तो आपको 1,46,000 रुपीज ज्यादा देने होंगे LXI वेरिएंट से। अगर आपको ये बजट लगता है तो आप इसके BXI वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट वर्क नहीं कराना चाहते हैं तो अगर आप आफ्टर मार्केट वर्क करा सकते हैं, जैसे एनफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, तो आप LXI वेरिएंट को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें पावर विंडो तो मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM मिल जाएंगे, बस आपको एनफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, जो कि आपके नीड के हिसाब से आप लगवा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।